पहले आप अपने जीवन में संयम लाएं, जी संयम के साथ साथ फिर अपने सनातन धर्म को, संस्कार को जब आप जागृत करोगे तभी आपके मन में वह सब चीजें आएंगी। पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारी सनातन संस्कृति चली आ रही है वो अधिकतर एकदम लुप्त होती चली जा रही है। पूज्य संत महाराज के दर्शन की इस यात्रा में कई बार मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य मुझे लगता है प्राप्त हो जाता है। एक तरफ यमुना महारानी, एक तरफ रमणीय वन, एक तरफ प्रातः का वो सुबह मंद मंद बयार हवा बहती हुई, और ऐसे भाव में, ऐसी भक्ति में अगर संत महाराज जी का दर्शन हो जाए और उनका आशीर्वाद का आदेश मिल जाए तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। बहुत बड़ा मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि कई बार ऐसे पूज्य संत महाराज जी का दर्शन होता है और उनका आदेश प्राप्त हो जाता है तो मन आनंदित हो जाता है। पहले यमुना महारानी का दर्शन हम करेंगे और फिर उसके बाद वार्तालाप करेंगे। यहाँ पर जितने भी लता पता हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, ये सब मैं बार बार कहता हूँ कि ठाकुर जी के सखा है, क्योंकि ठाकुर जी ने, कन्हैया ने इन सब की महिमा का बखान पूरे अपने भागवत में हर जगह पर किया है। यानी प्रकृति की पूजा भी बहुत बड़ी पूजा है। तो आज पूज्य महाराज जी का पहले परिचय जानते हैं और फिर उसके बाद यात्रा होगी हमारे अध्यात्म की, भागवत की, धर्म की, संस्कृति की। महाराज जी परिचय अपना। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। जी मैं तोतादरी मठ वृंदावन से हूँ जी, और स्वामी जी का कृपा पात्र हूँ जी, और विगत काफी वर्षों से 17-18 साल से वृंदावन ब्रजवास हो रहा है जी, और इस ब्रज में, श्रीधाम वृंदावन में रहकर के इतना आनंद आता है कि जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है जी वो पूर्ण होता हुआ, वो पूर्ण होता है, और मानव मात्र का जो आने का जो मुख्य उद्देश्य होता है जी, यहाँ आकर के लगता है कि हम वास्तविक जिंदगी में जी रहे हैं, जी रहे, क्योंकि संसार के प्रपंचों में फंसा हुआ व्यक्ति अपने आप को ये नहीं समझ पाता है कि मेरा मुख्य उद्देश्य क्या था संसार में आने का। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। और जब यहाँ पर आकर के देखते हैं भगवान ने आकर के स्वयं यहाँ पर अनेक लीलाएं की, उन लीलाओं का जब आप स्वादन करते हैं उससे आपको पता चलता है कि हमको कैसी जिंदगी जीना चाहिए जी, और हमारे सनातन धर्म भगवान ने किस प्रकार से बढ़ाने के लिए, धर्म का उत्थान करने के लिए अनेक लीलाओं को किया जी, और उन लीलाओं के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य रहता है। धर्म की स्थापना के लिए भगवान जितने भी कार्य करते हैं धर्म की उत्थान के लिए ही करते हैं। बहुत सुंदर। ब्रज में आकर के आप अनेक प्रकार के लीलाओं को जब देखेंगे कि उनके पीछे वास्तविकता क्या थी जी, तो आजकल की जो स्थिति होती चली जा रही है जैसा कि आप देख रहे हैं जी जी, माता पिता गुरु जी, इनसे लोग दूर होते चले जा रहे हैं जी जी जी, इसके पीछे कारण क्या है? जो अभी जी अरवा चीन भारत जिसको कहते हैं, इसमें लोगों की जो प्रकृति है एकदम भिन्न होती चली जा रही है जी। जब आप हमारे धर्म ग्रंथों से दूर होते जाओगे, बड़े बूढ़ों का सम्मान नहीं करोगे, तो आपको जो जी जीने की पद्धति है उसमें आपका प्रवेश बहुत कम अवस्था में हो पाएगा जी। और उसके लिए अगर आप किसी सद्गुरु के पास में जाते हैं, माता पिता का सम्मान करते हैं, उसी से ही आपके जीवन का उत्कर्ष होगा। और बाद में नहीं तो ये पता चलेगा कि 84 लाख जो योनियां हैं, फिर दोबारा से आकर के उसी में भटकते रह जाओगे और मूल उद्देश्य से आप भटक जाओगे जी। तो अब आपको कैसे, अब लोगों का प्रश्न उठता है कि कैसे अब हमको उस चीज के लिए अग्रसर होना चाहिए जी, कहाँ से यह ज्ञान प्राप्त होगा जो हमारी सनातन संस्कृति कैसे जी क्या थी, कैसे होगी? क्योंकि लोगों को अभी तक, कुछ लोग हैं दुनिया के अंदर जिनको ये भी नहीं पता होगा कि राम जी कौन है, लक्ष्मण जी कौन है, उनके माता पिता कौन है। आज नई पीढ़ी में ऐसा हो रहा है महाराज जी, बहुत ज्यादा हो रहा है। उनके 4 भाई हैं राम जी के, और कैसे उन्होंने माता पिता की सेवा की, गुरु की सेवा की, वो भी नहीं जान रहे हैं। बिल्कुल जी। तो उसके पीछे वजह यही है कि आपकी जो दिनचर्या है जी, पहले आप अपने जीवन में संयम लाएं जी, संयम के साथ साथ फिर अपने सनातन धर्म को, संस्कार को जब आप जागृत करोगे तभी आपके मन में वह सब चीजें आएंगी। पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारी सनातन संस्कृति चली आ रही है वो अधिकतर एकदम लुप्त होती चली जा रही जी। और उसके लिए हमारे वृंदावन से अनेक संत महंत इस जागृति में लगे हुए हैं जी, लेकिन ये कुछ लोगों के माध्यम से नहीं होगा जी, उसमें संपूर्ण समाज के लिए, समस्त हिंदू वर्ग के लिए ही आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी इसमें आगे, इसमें एक नई उन्नति ऊर्जा आएगी जी।
तो उसके लिए अब आप जगह जगह भगवान की जो केंद्र बने हुए हैं, आज की भाषा में कहिए वृंदावन है, अयोध्या है, काशी, बनारस, उज्जैन इत्यादि जो तीर्थों में आप जाओगे तो वहाँ की जो पॉजिटिव एनर्जी है, उससे आप जब परिचित होंगे तो आपके अंदर में एक ललक जागृत होगी कि हमको क्या करना चाहिए, तो कोई ना कोई आपको सदगुरुदेव मिल जाएंगे, उससे आपको अच्छे संस्कार मिलेंगे, उससे आपको पता चलेगा कि आपको अपना जीवन कैसे यापन करना चाहिए, तभी आपके जीवन में एक बहुत सुंदर ऊर्जा उत्पन्न होगी और उस ऊर्जा से आपको ये पता चलेगा कि हमको क्या करना चाहिए जी। और आपकी जो दिनचर्या आजकल अधिकतर लोगों को पता चलता है, लोग ब्रह्म मुहूर्त देखे ही नहीं, जानते ही नहीं भाई। देखो किसी भी कार्य को करने के लिए आपको मुहूर्त दिखवाना पड़ता है, किसी ज्योतिषी के पास जाओ, किसी भवन निर्माण को जाओ, वाहन खरीदने जाओ, सोना चांदी विवाह इत्यादि में मुहूर्त होता है, लेकिन ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए एक ब्रह्म मुहूर्त बनाया, इसके लिए अलग कोई मुहूर्त नहीं। जी, जब आप ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य की किरणों को नहीं देखोगे, सूर्य उदय कैसे होता है उसको भी नहीं देख पाओगे, तो आपके जीवन में कैसे नवीनता आएगी, कैसे आपके जीवन में प्रकाश आएगा। लोग, हमने तो ये सुना है, लोग बताते हैं कि 4 बजे तक रात्रि तक, 3 बजे तक काम करते हैं, फिर 12 बजे तक सोते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जब वो ब्रह्म मुहूर्त या सूर्य के उदय होने का उपक्रम नहीं देख पाएंगे तो जीवन में कैसे आगे अग्रसर बढ़ेगा, कैसे सनातन संस्कृति आगे बढ़ेगी। इसलिए आप सभी से हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि जो जीने का या उठने का जो संयम है, नियम है, उसको पहले सुधार करें, तभी उसके जीवन में कोई नया कुछ कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति अपने क्रम से चल रही है। जी, जब प्रकृति के अनुसार व्यक्ति चलता है तो मनुष्य की भी प्रकृति एकदम सुंदर बन जाती है, क्योंकि प्रकृति तो अपने आप में सुंदर है ही है। जी जी, तो मनुष्य को अपनी प्रकृति का निर्माण स्वयं करना पड़ता है। जी जी भाई, प्रवृत्ति जब ही होगी, प्रकृति जैसी है प्रवृत्ति भी वैसी होगी, तो प्रवृत्ति के लिए आपको प्रकृति को पकड़ना पड़ेगा और प्रकृति के अनुसार अगर आप जियोगे तो आपके जीवन में यश, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, धन दौलत और जो भी जीवन की जितनी भी आप मन में कामना रखती हो और भगवान को अपना मान करके कार्य करोगे, क्योंकि हमारे जैसे आचार्य थे पूर्वाचार, वो कहते हैं कि अगर जीवन में कोई धन है आपका तो वो भगवान के चरणारविंद है। अरे वो तो धनम मदीयम तव पाद पंकजम कदानु साक्षात करवाणु चक्षुषा, भगवान के चरणारविंद ही हमारे कुल परंपरा युग युग और कल्प कल्पांतर का ही धन है। अगर उस धन को हम भूल जाएंगे, सांसारिक धन को ही अपना मानेंगे तो ये नित्य नहीं है जी। अनित्य को ही हम नित्य मान करके भटके हुए हैं। जो नित्य संबंध है, उस नित्य संबंध को जब धन को अपनाओगे तभी आपके जीवन में सुख शांति। आजकल देखते हो लगभग लोगों के मन में अशांति फैल रही है, तमाम व्याधियां हैं, तमाम व्याधियों से पता चलता है पारिवारिक कलह बहुत हो रहा है, एक दूसरे में मनमुटाव हो रहा है। आजकल जो सोशल मीडिया या मोबाइल जो चल गया है, दस लोग परिवार में है, 4 लोग हैं तो 4ों अपने अपने फोन में व्यस्त हैं, किसी से बातचीत, कोई बात दुख का कुछ भी बहुत कम होने देखने को मिलता है। तो जब हम ये सब पारिवारिक वातावरण में इस तरह का माहौल पैदा करेंगे तो कैसे आप सुख शांति को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने जीवन में पहले भाईचारा, एक संबंध को समझना पड़ेगा। जी जी, आजकल संबंध से बिछुड़ जितना होता जा रहा है ना, उतना ही लोगों के जीवन में अशांति हो रही है। जी जी, एक भीड़ की तरह लोग भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में भीड़ की तरह, उनके ना जीवन का कोई उद्देश्य है, ना उनके जीवन में कोई तत्व है, सब जैसे लगता भागम भाग भी लगे। बिल्कुल, अरे पशुओं के जीवन में फिर मनुष्य के जीवन में अंतर क्या रहेगा। भगवान ने हमको मनुष्य जीवन दिया जी, ये मनुष्य जीवन साधारणता नहीं है, क्योंकि इस जीवन को प्राप्त करने के लिए आपको अत्यधिक तपस्या की भी जरूरत होती है। 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है, तब इसके बाद अंत में एक बार मनुष्य जीवन मिलता है। अगर इस मनुष्य जीवन में भी अगर हम अपने लक्ष्य से भटक गए तो फिर वही 8वां पाई संसार में भटकते रह जाएंगे और वास्तविक जो हमारा लक्ष्य है, जहाँ पहुँचना है, वहां तो नहीं पहुँच पाएंगे, बाकी अन्य योनियों में फिर धक्का खाते हुए 84 लाख योनि का भोग करते रहेंगे। इसलिए देखो भागवत जी में बड़ा सुंदर एक श्लोक आता है, उसमें एकादश स्कंद में है, जब नवयोगेश्वरों का संबंध होता है उसमें वो कहते हैं, दुर्लभो मानसो देहो, देहो नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठम प्रिय दर्शनम।
ये मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ, और मान लो दुर्लभ में दुर्लभ और क्षण भंगुर भी है, मिल भी जाए तो क्षण भंगुर है, और उसमें भी अगर क्षण भंगुर कुछ समझते हैं तो तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठम यो प्रिय दर्शन। भगवान के जो प्यारे भक्त हैं, भगवान की जो सेवा में अपने जीवन को लगा करके अपने जीवन को यापन कर रहे ऐसे प्रिय भक्तों का, ऐसे उनके भक्तों का जब दर्शन हो जाए, उनका स्पर्श मिलने को मिल जाए, तो समझ लेना सबसे बड़ा दुर्लभ हो दुर्लभ, और संसार में वह कार्य दुर्लभ ही दुर्लभ होता चला जा रहा है। आजकल लोग धन दौलत यश के पीछे कुछ ज्यादा ही लोगों का अटैचमेंट होता चला जा रहा है, हम समझते हैं कि वास्तविकता उसमें नहीं है। अगर आप भगवत चरणार अनुरागी होते रहोगे तो ही आपके जीवन का उत्कर्ष बना रहेगा, और यही हम समाज के लिए शिक्षा देंगे। भैया अगर सनातन की संस्कृति को अगर आप जागृत रखना चाहते हो तो एकजुट होइए, जब तक हिंदू समाज नहीं जुटेगा, एकत्र नहीं होगा, तो आजकल देखो अनेक अनेक देशों में किस तरह की घटनाएं मिल रही हैं, अत्याचार हो रहा है, अत्याचार भी हो रहा है। अत्याचार की वजह क्या है? जी जी, खुद में ही भेद होना, खुद में फूट होना। आज अगर आप एक जिस तरह एक हाथ होता है मुट्ठी बना करके अगर उंगलियों को एक साथ रखोगे तो इसमें इतनी शक्ति हो जाती है कि किसी को भी परास्त कर सकता है, लेकिन ये बिखर जाएंगी तो फिर आपके पास में शक्ति होते हुए भी आप में शक्ति नहीं रहेगी। इसीलिए सभी को एकत्रित होना चाहिए। सबसे पहले एकत्रित होकर के फिर समाज को कैसे अग्रसर करना है, कैसे लोगों को संस्कार देना है, अपने बच्चों को पीढ़ियों को सदमार्ग पर चलने के लिए सलाह देना चाहिए। आजकल लोग विदेशों में भागते हैं, अरे हमारी संस्कृति, हम भारत सनातन संस्कृति में आकर के देखो क्या इतना आपको आनंद आएगा। यहाँ के वातावरण को समझिए, यहाँ के कल्चर को बढ़ाइए, यहाँ जब आप उत्कर्ष करोगे तो एक नई जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। आजकल जो हम कुछ करते हैं वो जीवन में आगे के लिए करना चाहिए सोच करके, क्योंकि आज हमारा जीवन है, पता चले 100 साल बाद हम नहीं रहेंगे, लेकिन कार्य ऐसा करो कि आने वाले भविष्य में भी लोग उसका शिक्षा मान करके महाजनो ये गतिन पंथा, जैसे कि आज हम धर्मशास्त्र ग्रंथों को पढ़ते हैं, जो हमारे आचार्य थे, हमारे ऋषि थे, उन्होंने सूखे फूके पत्ते खा करके जो ग्रंथों की रचना किया है, आज उन्हीं के आधार पर हमारे भारतवर्ष के जितने भी संत मंत हैं सब उन्हीं का आचरण करके लोगों को शिक्षा दे रहे। तो आपका भी अगर जीवन है, आपको भी भगवान ने कुछ समझ करके पृथ्वी पर भेजा है, तो कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जिसको आगे के लोग पीढ़ियां हमारी शिक्षा मान करके, हमारे पूर्वज ऐसे थे उन्होंने ऐसा आचरण किया जिसके माध्यम से आज हम भी लोगों को शिक्षित कर सकें। तो ऐसी भावनाएं सबके अंदर हो जाएंगी तो हमारा सनातन तो पहले से ही सनातन है, श्रेष्ठ है। हाँ, और श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ भी है और उत्तम भी है, और इसमें सभी धर्मों के लिए आश्रय दिया है इसमें। जी जी, तो हमको भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल लोग बताते हैं धर्म परिवर्तन के नाम पे भी लोगों के अंदर में बहुत बदलाव आ रहा है। अरे आप आकर के तो देखो हमारे कैसे कैसे उपचार होते थे, ऋषि मंत्र शक्ति से ऐसा कर देते थे कि लोगों को पता नहीं चलता था। कथा आती है एक सूर्यवंश में आती है कि जो सुद्युम्न था, लड़की हुई जी, उसको मंत्रों के माध्यम से उसको लड़का बना दिया जी। तो हमारी मंत्र शक्ति इतनी प्रबल है, पहले से ही प्रबल है, पहले से ही उत्तम है, तो उसको पहले आप अनुभव करो जी, अनुभव करोगे, जानोगे, समझोगे, तभी आपके जीवन में समझ आएगा। इसलिए आप हमेशा जितना हो सके हमारे धर्म शास्त्र ग्रंथों का प्रचार प्रसार करिए, उसमें संत महापुरुषों के पास जाइए, माता पिता गुरु की सेवा करिए, जब ही आप कुछ समझ पाएंगे कि आगे कैसे अपना जीवन को चलाना है। अन्यथा नहीं तो सुबह 12 बजे जागिए और रात्रि में 4 बजे सोइए, तो ऐसे ही सोते जागते जीवन निकल जाएगा, हो जाएगा, और इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा, और पता चलेगा कि आपके घर पे आक्रमण हो रहा है, हमारे आने वाले भविष्य में एकदम कोई असुरक्षित नहीं रह सकता। जी जी जी, इस तरह की पीड़ाओं से बचाने के लिए हमेशा व्यक्ति को जागृत होना चाहिए, जागृत रहेगा तभी यह संस्कृति भी जागृत, संस्कृति हमेशा जागृत है जी, ये तो कभी लुप्त होती है कभी प्रकट होती है, सत महापुरुषों का जब उदय होगा तो वो प्रकट हो जाएगी, लेकिन उसको लुप्त करने के पीछे जो जितने भी शक्तियां लग रही है मिटाने की जरूरत है जी, और उससे ही आपका उत्कर्ष होगा। जय श्री राधे। तो महाराज जी के सारे जो शब्द का भाव का सार है वो सार यही है कि आज जागने की बेला है, प्रातः बेला है, जाग कर जो है
देश और समाज को जगाने की बेला है। आपने पूरी तरह से ये बता दिया है कि सनातन की रक्षा के लिए हम सबको सहयोग करना, हम सबको साथ में आना है। जिस तरह से सनातन पर खतरा विश्व में बढ़ता जा रहा है, अगर हम भारत में रहकर सनातन की शक्ति को नहीं जगाएंगे तो विश्व भी असुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि सनातन जब तक है तभी तक विश्व भी सुरक्षित है, वरना विश्व भी दुनिया भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि दुनिया में हर जगह अशांति 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 दिखाई दे रही। भारत वर्ष ही एक ऐसी धरती है जहां पर शांति का भाव, सद्भाव का भाव, समरसता का भाव जाता है। महाराज जी का जो संदेश है, मेरा निवेदन है नई पीढ़ी के लोगों से, बच्चों को तो जरूर दिखाइए, अपने माता पिता जो भी हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने बच्चों को जरूर दिखाइए, क्योंकि बच्चे ही ज्यादा मार्ग से भटक रहे हैं, उनके जीवन में भटकाव आ रहा है। अगर वो सुधर गए तो रास्ते पर हमारा भारतवर्ष फिर राम और कृष्ण का देश हो जाएगा। एक बार पुनः महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत।